हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी की जिंदगी मौत से खिलवाड़ कर सकता है ये आदमी? देखिए, ये आदमी आ रहा है और देखिए चिपका रहा है, देखिए 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 चिपका रहा है, और बंदर जैसा इसका पहले ही से मुंह लग रहा है कि वो नो टाइम चूतिया में खड़ा आप खड़ा हुआ है आदमी बेवकूफी ने आप खड़ा हुआ है पर आदमी कौन दस बज गया आदमी खड़ा है पर आदमी अरे ये केवल झूठ ही का बता रहे हैं कि मशीन खराब है अभी इतना प्रेशर डालने के बाद तो मशीन खराब हो गई अभी चिपका के आते रखे थे उसका फोटो भी रखे आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर लाइन पे हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पे खड़े हैं 9 बजे टाइम था दिया है और लास्ट में यहाँ पे ये सटा चिपका दिया गया है कि मशीन खराब है। एक्चुअल में मशीन सही थी और मैं आपको वीडियो में यहाँ पे दिखाऊंगा कि मशीन कैसे यहाँ पे सही थी और कर्मचारी कितने यहाँ पे लापरवाह हैं ये भी आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा सुधार किया जाए और ये जो भद्र किस्म के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं 12 नंबर काउंटर में और किसी का 9 बजे यहाँ पे ऑपरेशन करने का टाइम था और यहाँ पे रिपोर्ट लेने के लिए लोग कैसे यहाँ पे खड़े हैं आप भी कुछ अरे ये केवल झूठ ही का बता रहे हैं कि मशीन खराब है अभी इतना प्रेशर डालने के बाद तो मशीन खराब हो गई अभी चिपका के यहाँ पे रखे थे उसका फोटो भी रखे थे आपको दिखा रहे हैं फोटो रखे कि क्या कि मशीन खराब हो गई आप क्या कि मशीन सही है यहाँ पे फोटो पर लगाए थे कि इसका मशीन खराब हो गया है अब यहाँ पे मशीन अभी इतना फोटो मैं लिया हूँ यहाँ पे मशीन खराब होने का वो चिपकाया गया था अब सही है अभी तरह मगजमारी का जगह सही हो गया हल्ला हुआ है तो यहाँ पे मशीन अब सही हो गई है। कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है पहले यहाँ पे? हाँ कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है जिस पे कंप्लेन किया जाए और इन लोगों से मरीज से पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। मरीज मर रहा है कुछ हो रहा है कोई ये लोग आधा घंटा एक घंटा लेट आ रहे हैं। किसी का 9 बजे ऑपरेशन का टाइम है डॉक्टर बैठ गए हैं टाइम से लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट देने वाले लेट आ रहे हैं लेट आ रहे हैं टाइम से भी आके रिपोर्ट नहीं दिए टाइम से आके भी रिपोर्ट नहीं दिए रिपोर्ट किसी ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात है। यहाँ पे कर्मचारी को किसी का भी डर नहीं है। यहाँ पे रिपोर्ट लेने के लिए लोग 5 बजे से खड़े हैं और बस इनसे इतना पूछ दिया गया कि 9 बजे रिपोर्ट देने का टाइम है 10 बजे क्यों 10 बजे आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। इनका ईगो हर्ट हो गया दोस्तों। इनको किसी के जिंदगी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका ईगो हर्ट हो गया है कि हमसे क्यों ये पूछ दिया गया है कि हम 1 घंटा लेट क्यों है और इन्होंने मशीन खराब होने का बहाना बना के यहाँ पे चिपका दिया है और आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे चिपकाया गया है और ये यही भाई साहब जो बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने वो वही हैं 10 बजे आए हैं 10:30 बजे आए हैं और यहाँ पे चिपका के चले गए हैं कि मशीन खराब है और यहाँ पे लोगों से बदतमीजी भी ये बहुत सारा किए हैं कि मैं आप लोग को रिपोर्ट नहीं दूंगा आपको जो करना है कर लीजिए वीडियो बना लीजिए। तो यहाँ पे किसी का तो डर होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये मशीन से मैंने इनसे पूछा कि आप ये अंदर से जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं ये कैसे निकाल रहे हैं जब मशीन खराब है बताइए इसमें क्या खराब है प्रिंटर खराब है मॉनिटर खराब है या फिर CPU खराब है आप अंदर से यहाँ पे रिपोर्ट अपना पर्सनल कर्मचारी का अपना पर्सनल लोगों का निकाल दे रहे हैं और कह रहे हैं मशीन खराब है। तो ये बात है दोस्तों इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जा रहा है। ये घर की दुकान बना लिए हैं इसको हॉस्पिटल को घर की दुकान बना लिए हैं कि जैसे चाहें वैसे हॉस्पिटल को चलाएं। डॉक्टर यहाँ पे टाइम से आ जा रहे हैं और ये कर्मचारी हैं कि रिपोर्ट ही नहीं देंगे डॉक्टर करेंगे क्या आखिर। तो ऐसे कर्मचारियों की इस हॉस्पिटल में कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो इस कर्मचारी को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा यहाँ से और ऐसे बदतमीज कर्मचारियों का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये वही जो व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है ये वही है जिसने ये चिपका के अभी गया है और ये जो रेड कलर वाला उसको रोक भी रहा था कि आप इसको चिपकाओ मत दो बार इसको फाड़ के फेंक भी दिया है लेकिन भाई साहब का ईगो इतना हर्ट हुआ है कि उनको जिंदगी मौत से किसी मरीज के पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। 9 बजे यहाँ पे डॉक्टर का आदेश भी 9 बजे ऑपरेशन का समय भी है और जल्दी जल्दी रिपोर्ट लेकर आइए। यहाँ पे कई लोग खड़े हैं लेकिन उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो कि उनका ईगो हर्ट हो गया है भाई वो कैसे रिपोर्ट दे देंगे और क्यों उनसे पूछ दिया गया कि आप 10 बजे क्यों आए। और देखिए देखिए यही है वो बंदा जो चिपका के अभी गया है। तो यहाँ पे इसके प्रति हमें पता है कोई एक्शन नहीं लेने वाला है कुछ नहीं होने वाला है लेकिन क्या आप लोग
हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी की जिंदगी मौत से खिलवाड़ कर सकता है ये आदमी? देखिए ये आदमी आ रहा है और देखिए चिपका रहा है, देखिए 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 चिपका रहा है, देखिए। और बंदर जैसा इसका पहले ही से मुंह लग रहा है कि लटका हुआ है, और पूछने के बाद ये इनका ईगो भाई साहब तो हर्ट हो गया है। और अगर कोई पेशेंट का यहाँ पे इसके लापरवाही की वजह से डेथ होती है तो इसके साथ क्या करना चाहिए आप बताइए? ऐसे हरामखोर को इस हॉस्पिटल में रहना चाहिए? और भाई साहब चिपका के चले गए कि मशीन खराब है। और आप लोग देखें कैसे यहाँ पे प्रिंटर काम कर रहा है, इंटरनेट भी काम कर रहा है, और अपना वो भी निकाल चुके हैं जो निकालना था, किसी का लिए होंगे निकालने के लिए। भाई इसमें तो चलता ही रहता है, अंदर से विशेष सेवाएं दी जाती है लोगों को। तो यहाँ पे ये लोग ये कर रहे हैं, भाई देख सकते हैं, जब रिपोर्ट नहीं देंगे तो डॉक्टर देखेगा क्या? यही तो हाल है गाजीपुर हॉस्पिटल का, कितना सुधार यहाँ पे हुआ है आप लोग देख सकते हैं। जो महिलाओं के नाम लगी हुई है, 50 महिलाओं के नाम लगी हुई है, 50 आदमी का नाम लगा हुआ है, और अभी आदमी रहते जा रहे हैं और इन लोग तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो और हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि ऐसे कर्मचारी जो हैं भ्रष्ट किस्म के कर्मचारी हैं, जिसका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, जिसको किसी की जिंदगी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल से जल्द हटाया जाए और ईमानदार लोगों को यहाँ पे एडमिट किया जाए जो लोगों के दुख दर्द को समझे। दोस्तों अगर आपका कोई पेशेंट BHU में एडमिट कराना चाहते हैं, अगर BHU के प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में BHU का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख के अपने पेशेंट को आसानी से BHU में एडमिट करवा सकते हैं आसान प्रोसेस से। कैसे आपको एडमिट करवाना है, कैसे आपको पर्ची कटवानी है, और कैसे आपको OPD में नंबर लगाना है, सारा कुछ आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उस लिंक को टच करें और वीडियो को पूरा देखें।